Under the course Trends and Issues in Early Childhood Education, now we will see the biological system theory of human development. This theory of human development is leadership strategies. Bronfen Brenner in 1979 organized context of human development into a set of five interrelated levels called द बायो इकोलॉजिकल सिस्टम्स थेरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ये कहते हैं कि कुछ पांच इंटर रिलेटेड इस तरह के सिस्टम्स हैं जिनमें जो हमारी जो बच्चों की सोशबिलिटी है वो डेवलप होती जब हम ये बात कर रहे थे कि हमारे लीडर्स में यंग लीडर्स में सोशल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से लोगों के साथ डील करेंगे कैसे लोगों को समझेंगे कैसे अपने आप को मनवाएंगे कैसे दूसरों के हकूक को मानेंगे तो हमें ये ब्रॉन ब्रेनर जो हैं इन्होंने जो थेरी दी है कि ये पांच इंटीग्रेटेड आपके सिस्टम्स हैं जिनके अंदर बच्चा सीखता है सबसे पहले माइक्रो सिस्टम है जो आपकी फैमिली है आपके घर का सर्कल है यहाँ से वो जो आ, बिहेवियर्स और एटीट्यूड सीखता है लैंग्वेज सीखता है मैनर्स सीखता है ये सबसे पहले उसका माइक्रो सिस्टम है दैनर्ज द मीज़ो सिस्टम अब फैमिली से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो मीज़ो सिस्टम में आता है यानी जैसे आप नेबरहुड में हैं पार्क में हैं और फिर द लॉन्गर टर्म आप स्कूल में भी जाएंगे या किसी ई प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ मज़ीद कुछ लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो ये आपका मीज़ो सिस्टम है यहाँ फिर देखिए स्टेजेस भी है ना सोशबिलिटी की जैसे मैं कह रही हूँ कि पहले घर था वो एक स्टेज थी आपका तालुक जो है वो आठ से बारह या जितने भी अल्फा, आ, अफराद हैं उनसे हो सकता है बाहर निकलेंगे तो ये अफराद पचास से सौ तक भी हो सकते हैं आपका ये मीज़ो सिस्टम है देन एक्जो सिस्टम अब ये कम्युनिटी है आपके इर्द गिर्द कभी आप किसी सेलिब्रेशन पे जा रहे हैं कहीं सैर करने के लिए जा रहे हैं या जो भी आप कोई एक कम्युनिटी फंक्शंस हैं जिनका आप हिस्सा हैं तो वहाँ पे आपका और भी दायरा बढ़ जाता है और आप और ज़्यादा लोगों से डील करते हैं और डील करना सीखते हैं। देन इज द मैक्रो सिस्टम अब मैक्रो सिस्टम इज द होल वर्ल्ड होल द यूनिवर्स योर यूनिवर्स आप कहाँ रहते हैं किस मुल्क के शहरी हैं पूरी दुनिया के अंदर आपकी क्या हैसियत है ग्लोबल कम्युनिटी क्या है और लो, लो, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या है अब अगला जो है वो है जी क्रोनो सिस्टम क्रोनो सिस्टम असल में काम करता है विद इन ऑल दीज प्रीवियस सिस्टम्स यानी ये है आपकी उम्र वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ आपकी सोशबिलिटी में और आपकी सोशल स्किल्स में इजाफा होता रहता है यानी अगर आप अपने ख़ानदान से स्कूल स्कूल से कम्युनिटी कम्युनिटी से पूरी दुनिया की तरफ आए हैं तो इसमें वक्त भी तो लगता है ना तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सोशबिलिटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग में लोगों को डील करने में आपके रवैयों में फ़र्क आता जाता है सो ईच लेवल ऑफ ब्रॉन फैंड ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थेरी ऑफ हुमन डेवेलपमेंट इज कनेक्टेड टू दर्स अब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है हर सिस्टम दूसरे को जन्म देता है एक में सीखी गई महारतें अगली जो सिस्टम है उसमें वो काम आती हैं और फिर वो इंटर रिलेटेड हैं वहाँ से वो वापस भी आती है मसला देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी जो फैमिली का सिस्टम है वो मैंने सिखा दिया उसके बाद अब जो हमारा बच्चा है वो बाहर गया उसने स्कूल के सिस्टम में कुछ चीज़ें मज़ीद सीख ली हैं तो अब वो चीज़ें जो स्कूल से सीखी गई हैं वो वापस घर में नहीं सिखाई जा सकती जो बाहर से कल्चर लिया है जो बाहर से मैनर्स सीखे हैं वो वापस ख़ानदान में भी तो आएंगे ना बिल्कुल इसी तरह जो उसने ग्लोबल कम्युनिटी से सीखा है वो अपनी कॉन्टेक्चुअल इंटरनल कम्युनिटी में भी लेके आएगा सो ऑल दीज सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड और ये क्या करते हैं ये आगे पीछे दोनों तरह से हरकत करते हैं यानी आप वहाँ भी अपने वैल्यूज़ को और अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं एक सिस्टम से बड़े सिस्टम में और बड़े सिस्टम में हासिल की गई चीज़ों को वापस आप अपने छोटे सिस्टम में भी ला के अप्लाई करते हैं तो अब हमने ये देखा है कि आ, इस तरह जो आप समाइम्स देर आर डिस्टर्बेंस मतलब आप घर में आपने बच्चों को एक माहौल सिखाया कि बेटा आपने हर किसी की इज़्ज़त करनी है आपने अच्छे से बात करनी है आपने दूसरों की मदद करनी है आपने किसी का को कोई नुकसान नहीं करना किसी को मारना नहीं है किसी की चीज़ छीननी नहीं है कोई चोरी नहीं करनी है लेकिन वही बच्चा जब बाहर जाता है और वो ये सारे झगड़े लड़ाइयाँ गालियाँ देख रहा है तो वो वापस आएगा और आपके सर्कल को डिस्टर्ब करेगा तो इसलिए हम समझते हैं कि एक अच्छा लीडर पैदा करने के लिए उसके सारे सिस्टम्स पर नज़र रखी जाएगी और उनके उनके दरम्यान कोहरन्स पैदा की जाए कि जो कुछ उन्होंने अपने घर पे सीखा है वही वो, वो बाहर जाके अमल करें और जो बाहर सीखा है उसमें से सेलेक्टेड चीज़ें वापस आएं अच्छी वापस आएं बुरी वापस ना आए तो ये वो सारी डिमारकेशन है जो हमें बनानी है